सीएल गौतम, प्रदेश कार्यालय प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बैठक में मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से बैठक में शामिल हुआ। हमारे साथ में भोपाल जिले के जिलाध्यक्ष श्री उमा शंकर विश्वकर्मा जी ने भी भाग लिया। आज मैंने निम्न बिंदुओं पर चर्चा की। शुरू करें। आज भारत निर्वाचन आयोग की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठक थी, तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं सीएल गौतम, प्रदेश कार्यालय प्रभारी भोपाल, मीटिंग में हमने हिस्सा लिया। और हमारे साथ में भोपाल के जिलाध्यक्ष श्री उमा शंकर विश्वकर्मा जी साथ में थे। निर्वाचन की बैठक में पार्टी की ओर से मैंने कुछ सुझाव रखे हैं। मैंने अपनी तरफ से भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन किया कि भारत देश में, हमारे प्रदेश में आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी फर्जी मतदान अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो मैंने कहा उनको, हमारा एक सुझाव है पार्टी की ओर से, इससे फर्जी मतदान भी रुकेगा और सरकार का जो अनावश्यक सिक्योरिटी पर जो करोड़ों रुपए खर्च होता है वह भी बंद होगा। हमारा सुझाव था कि जिस प्रकार से आधार कार्ड फिंगर से लिंक होता है और अगर आपका आधार कार्ड गुम हो जाए तो दोबारा आप बनवाने जाओगे तो फिंगर तुरंत बता देता कि आपका आधार कार्ड बन गया है और पुनः निकल जाता है। तो मैंने कहा कि आधार कार्ड की संख्या मुझे लगता है वोटर कार्डों से ज़्यादा है। अगर आधार कार्ड फिंगर से लिंक हो सकता है तो फिर वोटर आईडी और ईवीएम मशीन की बटन फिंगर से लिंक क्यों नहीं हो सकती? अगर ईवीएम की बटन फिंगर से लिंक हो जाएगी तो फर्जी वोट डलना बंद हो जाएंगे और जिस दिन फर्जी वोट डलना बंद हो जाएंगे इस देश में, प्रदेश और देश में, सेंट्रल में बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी होगी। मैंने आयोग से कहा कि आपकी अगर नियति साफ है, आप अगर फर्जी मतदान रोकना चाहते हैं तो मैंने कहा फिंगर से आप ईवीएम बटन लिंक करवा दीजिए तो फर्जी मतदान बंद होगा और आपका जो करोड़ों रुपए खर्च होता हुआ है भी उसमें भी कमी आएगी। दूसरा हमारा पॉइंट था कि मध्य प्रदेश की सरकार सेंट्रल से फोर्स तो मंगा लेती है लेकिन उस फोर्स को रिजर्व में रखती है और पोलिंग बूथ पर या तो होमगार्ड के डंडा छाप लोग खड़े कर देते हैं या फिर लोकल की पुलिस खड़ी कर देती है जो वहाँ के नेताओं के दबाव में रहती है। इसका उदाहरण मैंने दिया हमारे सुमावली विधानसभा मुरैना में, भूरा कंसाना ने सेंट्रल के फोर्स के व्यक्ति की भी बंदूक छीनने की कोशिश की थी और उसका नतीजा ये हुआ था, दूसरे व्यक्ति ने उसको गोली मारी थी और वो मारा भी गया था। तो जो लोग, इतनी दबंगई हमारे चंबल संभाग में रहती है कि जो लोग सेंट्रल के व्यक्ति की फोर्स की भी बंदूक छीन सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि डंडा छाप व्यक्ति का मतदान, फर्जी मतदान रोकने में कामयाब होगा। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। और इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी देखने को मिला कि जिस एक व्यक्ति का वोट सिटी में भी है और उसका ग्रामीण में भी है, तो उसको भी अभी तक सरकार ने विशेष ठोस कदम नहीं उठा पाए। तीसरा, मतदान केंद्रों पर मैंने देखा है कि राम सिंह की पर्ची श्याम सिंह लेके चले जाते हैं क्योंकि उस पर्ची पे फोटो ऐसा होता है कि खुद का वोट फोटो खुद व्यक्ति ना पहचान सके और कोई भी डाल के आ जा सकता। तो इस पर भी अभी तक कोई ठोस पहल चुनाव आयोग की नहीं हुई है, कृपया इसमें भी सुधार किया जा सके। इसके अलावा
अभी नगर निगम चुनाव में मैंने देखा कि एक घर में अगर चार वोट हैं तो चारों के अलग अलग बूथों पे वोट हैं, तो मेरा सुझाव था कि चारों एक फैमिली के वोट कम से कम एक जगह वोट होंगे तो सारी फैमिली एक साथ जा सकते हैं और वहाँ बिना बह के वोट डाल सकते हैं, तो इस पर भी काम किया जा सके। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, भाजपा ने अभी 39 लोगों की लिस्ट फाइनल की है, तो जिन लोगों की लिस्ट फाइनल हो गई है वो लोग सरकार के खर्चे पर अपनी अपनी विधानसभाओं में अभी सरकार के खर्चे पर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, तो ये भी एक जनता को लुभाने का वो आइडिया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ चुनाव आयोग से, मैंने कहा कि उन लोगों को अभी अनावश्यक अभी जो नए काम करने से रोका जाए जिससे कि जनता को लुभाया ना जा सके। तो इस प्रकार से बहुत सारे बिंदु मैंने रखे। हमारे जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि इनके उनके पोलिंग बूथ पे 92 पोलिंग बूथ कोलार विधानसभा में उन्होंने अपना वोट डाला लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहा हमारे परिवार ने भी वोट डाला, तो मान के चलो परिवार ने हो सकता वोट ना दिया, लेकिन अपने वोट पे तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि हमने अपना तो वोट डाला था, तो उस हमारा वोट तो हमारा उस पोलिंग बूथ पर निकलना चाहिए था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो वहाँ जीरो निकला, एक भी वोट बीएसपी का नहीं निकला। तो ये इस प्रकार की गड़बड़ियाँ भी ईवीएम मशीन में हैं। तो ये तमाम सारी बातों को मैंने पार्टी की ओर से चुनाव आयोग की तरफ से रखा है और उन्होंने हमारे बिंदुओं को पॉइंट भी किया है। अब देखते हैं कितना अमल करते हैं।